आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे खतना पे, जिसे सर्कमसिजन भी कहते हैं। ये बहुत से पुरुष करवाते हैं। ये करवाने से उनके शरीर पे क्या असर पड़ता है, ये करवाना चाहिए या फिर नहीं, इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अजय कुमार। दर्शकों, आपको बता दूँ कि बिहार के जाने माने यूरोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ ये यूरोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर आपसे जानना चाहेंगे, बहुत से पुरुष हैं जो खतना करवाते हैं, जिसे सर्कमसिजन भी कहते हैं, आपसे जानना चाहेंगे क्या, पहले तो आप हमें ये बताएं अच्छे से कि खतना होता क्या है। देखो, खतना तो समझो उर्दू का शब्द है, उसका हिंदी में ऐसा मेरे को कोई इस तरह का इक्विवेलेंट शब्द याद नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में इसको सर्कमसिजन कहते हैं। कि पुरुष के का जो लिंग होता है उसका अग्रभाग जो होता है, वो अग्रभाग जो उसको हम लोग कहते हैं ग्लांस पेनिस, वो अग्रभाग को कवर करता है। ये जो पूरा का पूरा चमड़ा होता है पेनिस के ऊपर का, उसको पैदा जब होता है तो पूरा का पूरा कवर करता है उसको, और उसमें दो लेयर होते हैं, इनर लेयर और आउटर लेयर, तो एक तरह से जा करके उसको कवर करता है पेनिस के अग्रभाग को। अब कभी कभी दो कारण से ये खतना होता है। एक तो रिलीजियस राइचुअल है खतना करने का, ज्यूज में और मुस्लिम कम्युनिटी में ये किया जाता है। ज्यूज में पैदा होते ही खतना कर दिया जाता है। तो खतना क्या हुआ कि जो अग्रभाग का जो चमड़ा है और जहाँ से शुरू होता है, जिसको कसैली लोग कहेगा, ग्लांस पेनिस कहेगा, जो भी जो आगे का भाग है, उसके जड़ से वहाँ पर वो चमड़ा को काट के दोनों लेयर को हटा दिया जाता है, ताकि ग्लांस पेनिस एकदम एक्सपोज रहता है एयर में, उसके ऊपर कोई चमड़ा का लेयर नहीं रहता है। तो ये प्रोसेस सर्कमसीजन कहलाता है। तो जैसा मैंने बताया, ज्यूज में पैदाइशी और मुसलमानों में 4-5 साल में बहुत राइचुअल होता है, बहुत खतना होने के समय में कुछ पूजा पाठ भी होता है और इस तरह से किया जाता है खतना। हिंदुओं में या अन्य धर्मों में ये खतना राइचुअल नहीं है। ईसाई हों, हिंदू हों, सिख हों, जैन हों, ये राइचुअल खतना का नहीं होता है। अब होता क्या है कि फिर भी समय समय पर लोगों का खतना करना पड़ता है, सर्कमसीजन करना पड़ता है जब कोई मेडिकल कंडीशन आ जाता है। अब पहली बात तो तुमको बताएं, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, मेरे पास ज़्यादा मरीज आते हैं, सर मेरा आगे वाला सबसे पहला तो बच्चों में होता है, महिलाएं लेके आवेंगी, पेरेंट्स लेके आवेंगे, तो बचवा का चमड़े नहीं खुलता है ऊपर से, कोशिश करते हैं खुलता नहीं है, और जब हम देखते हैं तो एक्चुअली वो एक कंडीशन कहलाता है फाइमोसिस, माने चमड़ा जो है सो पीछे की तरफ नहीं आवेगा, तो उसको कहते हैं कंडीशन को फाइमोसिस। जनरली बच्चों में आजकल मैं देखता हूँ, और मैक्सिमम बच्चों में, स्कूल चिल्ड्रन का एग्जामिनेशन भी करने जाता हूँ, तो एक्चुअली उसका चमड़ा आसानी से खुल के पीछे आ सकता है, लेकिन आजकल की जो मॉडर्न मदर्स हैं वो बच्चों के चमड़ा को छूती नहीं है, और नहवाते समय हमको याद है हम लोगों की माता जी वगैरह 3-4, हो सकता है हम लोग के बचपन में होता हो, लेकिन हम लोग के बच्चों का हमने देखा है कि वो लोग क्या करती थी कि चमड़ा को तेल लगाते समय बच्चे को पेनिस के ऊपर के चमड़ा को हटा के साफ करके तेल लगाती थी, तो वो कभी भी सटता नहीं था। लेकिन आजकल की यूनिटरी फैमिली है, हस्बैंड वाइफ रहता है, अब आजकल एक गो बच्चा हुआ, दो गो बच्चा हुआ, बड़ा उसको मैंने जिसको कहते हैं कुछ हो न जाए वाला स्थिति है, और उनके पेरेंट्स बताने वाले नहीं हैं, ज्वाइंट फैमिली तो है नहीं कि उनके पेरेंट्स साथ रहते हैं तो दादी या नानी बतावे, तो ज़्यादातर वो बच्चे चमड़ा सटा रहता है, खुलता ही नहीं है,
तो वैसे चमड़ा को भी काट के हटाना पड़ता है और उसको सरकम जिसको कहते हैं खतना करना पड़ता है, नहीं तो उसके नीचे घाव हो जाता है और बच्चा बहुत परेशान, कभी कभी तो एकदम बंद हो जाता है सामने का चमड़ा। तो कहेगी माँ कि सर पेशाब करता है ना तो सामने फूल जाता है, तो फोर स्किन के अंदर ही पेशाब रहता है और छोटे से छेद से बाहर निकलता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों में हम लोग को सर्कमसीजन करना पड़ता है। फिर एडल्ट्स में, एडल्ट्स में ज़्यादातर लोग आते हैं कि सर अभी तक तो ठीक थे लेकिन अभी हाल में हुआ क्या है कि हमको फोर स्किन जो हमारा है वो क्रैक कर जाता है, क्रैक कर जाता है और सूज जाता है और उसके साथ साथ ग्लांस भी सूज जाता है। तो तुरंत पूछते हैं, पहला प्रश्न हम पूछते हैं कि भाई आपको डायबिटीज़ तो इधर नहीं शुरू हुआ है, तो कहेगा हाँ और नहीं तो कहेगा कि ना हमको तो पता नहीं है। और जब ब्लड शुगर उसका कराते हैं तो डायबिटीज़ 9 out of 10 सच पेशेंट जिनको क्रैक्ट फोर स्किन है और लाल रंग का उनका ग्लांस हो जा रहा है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, कहते हैं कि साहब बहुत गाद अंदर से निकलता है उजला उजला जिसको हम लोग स्मेग्मा कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो डायबिटीज़ की है तो पहली निशानी है या जिनको डायबिटीज़ हो गया उनको हो जाता है तो उसका भी खतना करना पड़ता है, सर्कमसीजन करके चमड़ा हटा दिया जाता है। बहुत लोगों को एक बार इन्फेक्शन ग्लांस के अंदर हो गया, क्योंकि चमड़ा उसके ऊपर हमेशा रहता है, हवा लगती नहीं है, वो इन्फेक्शन जल्दी जाता ही नहीं है। तो रिकरेंट इन्फेक्शन यदि होगा और ज़्यादा फंगस वगैरह से होता है उसमें भी हम लोग सजेस्ट करते हैं कि भाई खतना करवा लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अब इतनी बातें जो है, इतनी तरह की चीज़ें, तो एक और कंडीशन होता है, यदि चमड़ा आपका जब बढ़िया से खोलते नहीं है, साफ नहीं करते हैं तो कैंसर हो सकता है। आप खोल के साफ नहीं करते वैसे ही रह रहा है चमड़ा ऊपर, उसके अंदर जो स्मेग्मा है उजला वाला वो इरिटेट करते करते और फिर वो पेनिस का कैंसर कर देता है। और वो जब आते हैं लोग तो एकदम ग्रोथ लेते हुए लगता है, छोटा कोबी की तरह ग्रोथ रहेगा चाहे घाव रहेगा या इस तरह की चीज़ रहेगी, तो वो कैंसर का लक्षण होता है। तो कैंसर हो जाता है फिर उसके बाद तो हम लोग को पेनिस का एम्पुटेशन वगैरह अलग उसका हिसाब किताब है। अब इसका बड़ा अच्छा ये है, ज्यूज में और मुस्लिम्स में कैंसर पेनिस नहीं होता है, सिर्फ हिंदू जिनके जिनके यहाँ राइचुअल के तहत खतना नहीं होता है बचपन में उनमें ही ये कैंसर होता है पेनिस का। मतलब आपके हिसाब से सभी धर्म के लोगों को, मतलब कि सभी पुरुषों को खतना करवाना ही चाहिए? हाँ, यदि इसमें फिर धर्म गुरु लोग आके नौटंकी नहीं करने लगे, एक दूसरे से झंझट नहीं करने लगे और ये धर्म मेरा वो धर्म है वो नहीं यदि करने लगे, तो साइंटिफिक, इतना साइंटिफिक है ये खतना बचपन में, मैंने एकदम देखिए ज्यूज का तो पैदा ही कर देता है और मुस्लिम का जो है तो 4-5 साल के अंदर हो जाता है। तो यदि हो जाए तो कम से कम एक बीमारी तो पक्का है कि नहीं होगी, कैंसर पेनिस नहीं होगा नंबर वन, दूसरा सफाई हमेशा रहेगी, तीसरा डायबिटीज़ जब हो जाता है तो फिर दोबारा खतना करने की जरूरत नहीं। आज तक मुसलमानों का मैंने डायबिटीज़ के बाद खतना किया ही नहीं क्योंकि खतना हुआ रहता है, ज्यूज तो मेरे यहाँ नहीं आते लेकिन मुसलमान को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, इसीलिए इसके बहुत फायदे हैं। और मैं तो लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि जरा से भी दिक्कत हुआ, फाइमोसिस हुआ, चमड़ा सट गया, दिक्कत हो रही है, बार बार इन्फेक्शन होता है, खतना करा लीजिए। बहुत लोग थोड़ा रिलक्टेंट रहते हैं, मुसलमानी करावेंगे, सुन्नत करावेंगे, हम के भाई न मुसलमानी है न सुन्नत है, ये एक साइंटिफिक ये चीज़ है, यदि मुसलमानों में या यहूदियों में किया जाता है तो उसको मानिए, देखिए अच्छी चीज़ वो लोग करते हैं बचपन में तो अब तो करा लीजिए। और ये साइंटिफिक माने वैज्ञानिक आधार पर हम लोग बताते हैं, इसलिए खतना एक अच्छी चीज़ है। और जब भी डॉक्टर बताए, यूरोलॉजिस्ट बताए कि आपको खतना कराना चाहिए तो कुछ सोच के बताता है और ज़रूर करा लेना चाहिए। और खतना से जिसको बचना है
तो फिर बचपन से उसके माँ बाप दे चमड़ा को बढ़िया से खोलें, साफ करें, और बाद में वही आदत उसको बाद में भी रह जाए तो जीवन भर ऐसा करे तो ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आपके हिसाब से खतना है जो सभी को करवाना चाहिए, सभी पुरुषों को, ये खतना करवाने से बहुत सी बीमारियों नहीं, सभी पुरुषों को करवाना नहीं चाहिए मैं नहीं कहूँगा, नहीं तो कुछ और लोग माने लगा लेंगे, थोड़ा सा भी इंडिकेशन हो, अरे दो धर्मों में तो होता ही है, बाकी धर्म में भी थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो खतना करवा लेना चाहिए, और इसमें इसके साथ धार्मिक बात नहीं जुड़नी चाहिए। बहुत लोग कहते हैं दोस्त खतना करा लेंगे मुसलमान बन जाएंगे और उनको तकलीफ है जी। तो ऐसे लोगों को समझने की ज़रूरत है कि ये उनके फायदे के लिए किया जा रहा है, हिंदू और मुसलमान नहीं किया जा रहा। मतलब इससे हम कई बीमारियों से भी बच सकते हैं, बहुत कैंसर से बच सकते हैं, बताए ना, इन दो धर्मों में पेनिसा कैंसर ही नहीं होता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे जितने भी दर्शक हैं उनके लिए जानकारी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो भी समझ पाए होंगे कि ये खतना आखिर होता क्या है। सर बहुत बहुत शुक्रिया।